पहाड़ से लेकर मैदान तक जबरदस्त ठंड है, पूरा पहाड़ी इलाका जम गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है, मैदानी इलाकों में भी यहां पारा नीचे आ चुका है और ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तराखंड के टिहरी का नजारा ऐसा है कि घर बैठे ही आपको झुरझुरी छूट जाए। तिब्बत सीमा से सटे इस गांव में बर्फ तो हर साल गिरती है, लेकिन इस साल लगता है सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। मकानों की छतों पर इतनी बर्फ है कि नीचे जमीन छूने को तैयार है। जमीन पर पहले ही बर्फ का ढेर लगा है। इन दोनों के बीच मकानों की हालत बर्फ के गोले जैसी हो गई है और इनमें रहने वाले लोग अकड़े जा रहे हैं। बाहर खुले में खड़ी गाड़ियां भी बर्फ का टीला बनी जा रही है। नलों में पानी कई दिनों पहले ही जम चुका है। बर्फबारी अभी भी हो रही है, यानी हालात अभी और मुश्किल होंगे। ये नजारा है माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ का। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद माँ गंगा 6 महीनों तक यहीं के मंदिर में विश्राम करती हैं। लेकिन यहाँ भी चारों तरफ बर्फ का ही साम्राज्य है। मंदिर की छत और सीढ़ियों पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ है। इलाके के मकान भी पूरी तरह बर्फ से लद चुके हैं। छतों से टपकने वाली ओस की बूंदे भी खंजर की शक्ल में जम गई हैं। चमोली में भारी बर्फबारी के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इससे खुश बच्चों ने बर्फ के बीच जश्न मना लिया। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। औली में बर्फ की जितनी परतें जमती जा रही हैं, पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरों की चमक भी उतने गुना बढ़ रही है, क्योंकि सैलानियों को यही बर्फ देश भर से खींचकर यहां लाती है। क्रिसमस और नए साल के जश्न की जोरदार तैयारियां की गई हैं। सारे होटल और रिसॉर्ट खचाखच भरे हुए हैं। 10 जनवरी तक सारी बुकिंग फुल है। रुद्रप्रयाग में पिछले हफ्ते इतनी ज्यादा बर्फ हुई कि अभी तक 7-7 फुट तक बर्फ जमा है। सड़कें गुम हो चुकी हैं। केदारनाथ जाने वाले रास्तों का भी कोई अता पता नहीं है। 10 दिनों से बिजली, पानी और संचार सेवाएं ठप पड़ी हैं। ऐसी आफत के माहौल में केदारनाथ में रहने वालों की खोज खबर लेने के लिए एक टीम बर्फ के समंदर में रास्ता तलाशते हुए पैदल रवाना हुई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 दिन पहले हुई बर्फबारी ने पूरे इलाके को जमा डाला है। ये तस्वीरें कोकसार घाटी की हैं। पहाड़ों की गोद में बसी इसी जगह के जर्रे जर्रे पर बर्फ का कब्जा है। पहाड़ों से लेकर नीचे का मैदान, सड़क और इलाके के इक्का दुक्का मकान सब पर बर्फ की मोटी परत है। कुल्लू को निर्मंड से जोड़ने वाला जालोड़ी दर्रा कई दिनों बाद खोला गया। बर्फ से पटे इस रास्ते के बंद होने से लोगों को शिमला होकर आवाजाही करनी पड़ रही थी, लेकिन सड़कों पर बर्फ की परत लगातार जम रही है, जिसके चलते भारी फिसलन है और केवल हल्के वाहन ही यहां से गुजर पा रहे हैं, वो भी बेहद सावधानी से।